तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल। तो यार दोस्तों ये कुछ नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाला है। जैसा आप सभी को पता है Q2 रिजल्ट सभी स्टॉक्स के आने में लगे हैं, तो कुछ स्टॉक्स जो हमने आपको पास में रिकमेंड किए थे बहुत सस्ते दामों में, आज वो हमें काफ़ी अच्छा पैसा कमा के दे रहे हैं। तो आप सभी की रिक्वेस्ट में लाया हूँ आज दोबारा से सुजलॉन शेयर लेटेस्ट न्यूज़, जिसमें Q2 अर्निंग्स आ चुकी है। जानने का प्रयास करते हैं कंपनी ने लॉस किया प्रॉफिट किया, और ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि फ्यूचर में इसका क्या व्यू मेरा है। ठीक है, क्योंकि सुजलॉन शेयर मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है। ठीक है, 7 रुपये के आसपास की कॉस्ट है आई थिंक, और प्रॉपर मनी मैनेजमेंट मैंने अप्लाई किया है, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये स्टॉक रिटर्न नहीं दे रहा जितना मुझे लगा था रिटर्न दे सकता है। और दूसरा शेयर है हमारा FCF सॉफ्टवेयर शेयर, एक IT सॉफ्टवेयर कंपनी है। 70-80 पैसे के आसपास मेरी बाइंग बैठती है, और अभी अच्छा खासा पैसा कमा के हमें दे रहा है। ठीक है, तो दोनों के रिजल्ट आउट हो चुके, जानने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि मेरा नेक्स्ट प्लान दोनों स्टॉक्स पे क्या रह सकता है। ठीक है, तो सिंपली स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर दो अभी के अभी, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर में कर दो, व्हाट्सएप में कर दो, जहाँ आपको करना वहाँ कर दो। उससे होता है क्या, कल संडे है, ठीक है, तो माइट बी कल एक क्लास होने वाली संडे, हर संडे से एक प्राइवेट क्लास होती है, तो कल भी क्लास हो सकती है। तो अगर आपको क्लासेस के लिंक चाहिए तो मेक श्योर वीडियो को शेयर करने के बाद फेसबुक के माध्यम से मुझे डायरेक्टली रीच आउट करो इंस्टाग्राम पर। ठीक है, कैसे करोगे, जो वीडियो शेयर करोगे उसका स्क्रीनशॉट आपको खींचना है और भेजना है इंस्टाग्राम पर। और जो लोग इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पर। ठीक है, ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, मेक श्योर यहाँ पे फॉलो कर लो। ठीक है, अच्छा लगता है फॉलोअर्स देख के, आपको भी अच्छा लगेगा एक बार अगर आप फॉलो करोगे और साथ में स्क्रीनशॉट भेजोगे। हर संडे जो क्लास होगी उसके लिंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इस 1 रुपये 65 पैसे के स्टॉक से, जिसका नाम है FCF सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड। ठीक है, और आप लोग देख सकते हो कंपनी के रिजल्ट आउट हो चुके हैं जैसे मैंने आपको बतलाया। अब देखते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स नंबर कैसे आए। ठीक है, तो सितंबर 2021 में जाता हूँ, देख सकते हो ये रे कंपनी की जो सेल्स है, मेरे हिसाब से सेल्स तो काफ़ी अच्छी आई है, इतनी बेकार सेल्स भी नहीं है। राइट, सेल्स 8 करोड़ के आसपास की सेल्स है, वही सितंबर 2020 में 9 करोड़ की सेल्स थी। तो मतलब सेल्स ठीक ठाक मैं बोलूंगा, इतनी बेकार भी नहीं है। वही एक्सपेंस आप देख सकते हो, 7 करोड़ के आसपास एक्सपेंस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 94 लाख रुपए का है। ठीक है, और सितंबर 2020 में 2.79 करोड़ का प्रॉफिट था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसका मतलब इस बार के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, सिंपल सी है भाई। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी ने इस बार आपको लॉस दिया है 2 लाख रुपए का, और लास्ट ईयर 1.38 करोड़ का प्रॉफिट था। तो आप लोग मुझे बताओ प्रॉफिट कैसे आए, मेरे हिसाब से एकदम बेकार प्रॉफिट आए। ठीक है, लॉस हुआ है। अगर बात करता हूँ 2 जून 2021 से कंपैरिजन, तो कंपनी के देखो 25 लाख का क्या आया प्रॉफिट हुआ था, अभी 2 लाख का लॉस है। तो आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको यही बोलूंगा, अगर आपके पास ये स्टॉक है तो छोटी मोटी स्टॉक में करेक्शन आएगी तो आप स्टॉक में प्रॉफिट थोड़ा बहुत बांध लो। कहने का मतलब है, अगर आपके पास 100 क्वांटिटी है तो 30-40 क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक कर लो। ठीक है, और स्टॉक को अभी बाय मत करना, यही आपके लिए मेरी सलाह रहने वाली है बस। ठीक है, बाकी आपको याद होगा इस स्टॉक का एक मूविंग एवरेज है, उस मूविंग एवरेज को अप्लाई कर लो और आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोज देखे होंगे तो मूविंग एवरेज अप्लाई करो, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। बाकी अगर बात करते हैं NSE में कैसा कामकाज हुआ स्टॉक का, तो 100% की डिलीवरी उठाई गई है। आप देख सकते हो 19 लाख क्वांटिटी ट्रेड की गई थी, मतलब ऑलमोस्ट 19 लाख क्वांटिटी लोग घर लेके गए। ठीक है, तो लोग तो लगातार क्वांटिटी स्टॉक में घर लेके जा रहे हैं, लेकिन आप ये गलती मत करना, स्टॉक में थोड़ी बहुत आप प्रॉफिट बांधना स्टार्ट कर लो, यही आपके लिए मेरा एडवाइस रहने वाला है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए बाद में सोचेंगे, पहले शॉर्ट टर्म में जो दिख रहा है वो कर लो। ठीक है, अब बात करते हैं सुजलॉन शेयर के बारे में। तो सुजलॉन एनर्जी अभी ट्रेड कर रहा है 7 रुपये 15 पैसे के आसपास, और फ्राइडे वाले दिन स्टॉक में तेजी देखने को मिली है 0.5% के आसपास, मतलब बड़ी तेजी हमें नहीं देखने को मिली है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका पहले 6 मंथ का चार्ट, तो स्टॉक 26% का गेन दे चुका है। अब प्रॉफिट की बात करते हैं, नंबर्स कंपनी कैसा है वो देख लेते हैं। तो सेप्टेम्बर में देखो कंपनी की सेल्स तो भैया काफी उमदा हुई है, तो माई नो डाउट कंपनी की सेल्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ हमें नजर आ रहा है। 1356 करोड़ की सेल्स हुई है। ठीक है, और सितंबर 2020 में 732 करोड़ की सेल्स थी, तो भाई डेफिनेटली कंपनी की सेल्स 2x हो चुकी है, डबल हो चुकी है। ठीक है, बाकी प्रॉफिट आप देखो 233 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और लास्ट ईयर ये 112 करोड़ का था, मतलब कंपनी का प्रॉफिट 2x हो चुके हैं, मतलब बहुत बढ़िया स्टॉक है। अभी तक मैं मुझे डेफिनेटली मैं होल्ड करूंगा, नीचे लेके चलता हूँ
और अगर बात करें नेट प्रॉफिट सीधा कि भैया नेट प्रॉफिट नेट इनकम कितना है वो बताओ हमें, तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो यहाँ पर 11 करोड़ का लॉस हुआ है इस बार, और लास्ट ईयर ये प्रॉफिट था 676 करोड़ का। तो अब देखो यहाँ पर दो चीजें होती है, ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा गेम खेला गया है, ठीक है। देखो स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन गेम चलता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है ना। देखो अगर आप यहाँ से देखो तो लास्ट ईयर 676 करोड़ का प्रॉफिट कैसे हुआ, 827 करोड़ का प्रॉफिट हुआ अदर इनकम से, ठीक है, इस बार अदर इनकम से 6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ मात्र, ठीक है। लास्ट ईयर जो इंटरेस्ट पे किया था 197 करोड़ पे किया था, और अभी 190 पे किया है, मतलब डेट रिड्यूस हुआ है, ठीक है। अब इसको आप दो तरीके समझ सकते हो, मैं इसको मैं रिजल्ट कैसे लेता हूँ, ठीक है। देखो अभी लास्ट ईयर कंपनी का प्रॉफिट हुआ था 670 करोड़, लेकिन वो अदर इनकम से पैसा बना था, ठीक है, और अदर इनकम को ज्यादा मैं ज्यादा वैल्यू नहीं करता हूँ, ठीक है। और हर कोई बोलता है कि अदर इनकम का जो पैसा होता है ना वो ज्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ मैं ये बोलूंगा आपको दिखाया तो जा रहा है कंपनी का लॉस हुआ, मैं यही बोलूंगा भाई, अभी भी दिखाया तो जा रहा है आपको लॉस हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से ये लॉस नहीं है भाई, पर्सनली बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता लॉस है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर दो काम कर सकते हो, मैं स्टॉक को बेचूंगा, मैं डेफिनेटली नहीं बेचूंगा, लेकिन हाँ अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टॉक में ना तो मैं थोड़ा बहुत ना इसमें प्रॉफिट बुकिंग करता रहूंगा। मतलब कैसे, देखो सबको पता है कि स्टॉक में डे ट्रेडिंग होती है, तुम्हें लोगों को पता नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टॉक में डे ट्रेडिंग आप कर सकते हो, जिनके पास टाइम है ना वो लोग स्टॉक को डे ट्रेडिंग करते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मानो मेरी कॉस्ट 7 रुपए की बैठती है स्टॉक में, तो मैं 3-4 दिन स्टॉक में डे ट्रेडिंग करूंगा, छोटा मोटा पैसा कमाऊंगा, और मेरी जो एवरेज कॉस्ट है 6 रुपए 30 पैसे आ जाएगी, क्योंकि मैं भाई डे ट्रेडिंग करूंगा तो पैसा बनेगा ना उससे, तो भाई सिंपल सी बात है मेरी कॉस्ट नीचे आ जाएगी। तो आप इस स्टॉक में डे ट्रेडिंग करो, ठीक है, छोटा मोटा क्वांटिटी करो, मानो अगर आपके पास 100 क्वांटिटी है तो यार आप 10-5 क्वांटिटी से डे ट्रेडिंग करो, अगर आपके पास 1000 क्वांटिटी है तो आप 10-20 क्वांटिटी से करो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका लॉस भी मिनिमम होगा अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो, प्रॉफिट भी छोटा सा होगा, लेकिन भैया उस प्रॉफिट छोटे प्रॉफिट से आप अपनी कॉस्ट को नीचे लेके आ जाओगे। तो मैं इसमें यह करने वाला हूँ, और मेरे हिसाब से भाई प्रॉफिट ठीक ठाक है, इतने घटिया भी नहीं है। हाँ आई नो ये कंपैरिजन करने से तो आपको लग रहा होगा बेकार प्रॉफिट है, लेकिन अगर लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करते तो लॉस थोड़ा कम हुआ है। तो मैं यही बोलूंगा अगर आपके पास स्टॉक है तो होल्ड करो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करो। अब आपको एक बार मैं स्टॉप लॉस दिखा देता हूँ, स्टॉप लॉस दिखाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसके एनएससी पे कैसा कामकाज हुआ है। पहले बोल दूं कंपनी के प्रॉफिट इतने अच्छे नहीं आए जितना लोगों को लग रहा था, ठीक है। 52 टन की डिलीवरी उठाई गई है, 1,51,00,000 क्वांटिटी तो घर लेके गए। अब बात करते हैं इसके चार्ट पैटर्न की, तो चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ आपको। तो यार दोस्तों आप देख सकते हो सुजलॉन का मैंने चार्ट पैटर्न खोल दिया है, और आप देख सकते हो स्टॉक अभी एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब एज पर द चार्ट पैटर्न देखो यार, मैं आपको दो चीज़ें मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। अब मेरी खुद की जो कॉस्ट बैठती है, सच बताऊँ तो मेरी कॉस्ट बैठती है इधर पे, एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने स्टॉक क्यों बाय किया था। मेरी कॉस्ट बैठती है यहाँ, देखो ये 6.75 रुपये ना, ये 6.80 रुपये बैठती आई थी, ठीक है। और मैंने स्टॉक को बाय क्यों किया था, क्योंकि स्टॉक में अच्छा खासा इनसाइड बार कैंडल बना था मंथली में, पैसा स्टॉक मुझे बना था, 8 रुपये तक स्टॉक गया था, मैंने बुक नहीं किया प्रॉफिट, ठीक है। शायद मैं स्टॉक को देख नहीं पाया उस समय, मैं दूसरे स्टॉक बिजी होऊंगा देख नहीं पाया। तो अभी मेरा जो स्टॉप लॉस देखो, लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। अगर आपको डर लग रहा है कंपनी के प्रॉफिट अच्छे नहीं आए, नंबर अच्छे नहीं आए, तो बहुत सिंपल है बॉस, आप क्या करो कुछ मत करो, आप क्या करो ये छोटा स्टॉप लॉस दिख रहा है आपको 6.50 रुपये का, ये अपना स्टॉप लॉस लगा लो बस, चुपचाप करके स्टॉप लॉस लगा लो, अगर हिट होता है यू कैन एग्जिट, नहीं होता तो बने रहो, ठीक है। और एक और बात, दोबारा एंट्री करना फिर, ठीक है, अगर मौका मिलता है दोबारा एंट्री पक्का करना पर, ठीक है, दोबारा एंट्री पक्का करना, ठीक है, यही आपकी सलाह रहेगी मेरी। तो मुझे नहीं लगता कि यार ये स्टॉक ना ये छोटा सा जो स्टॉक होता है हिट करवाएगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता मुझे करवाएगा। देखो स्टॉक मार्केट सब कुछ पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है, इसलिए भैया आप खुद एक बार ऐसा ऐड कर लेना, ठीक है। मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता नहीं कि हिट करवाएगा, लेकिन देखते क्या मतलब होता है। अभी एक नैरो रेंज बन चुकी है, अब ये रेंज कहाँ ब्रेकआउट होता है कि हमें देखना है बस, ठीक है। अगर बात करते हैं प्राइजेक्शन, तो प्राइजेक्शन हमें ये कह रहा है कि स्टॉक का जो रेंज ब्रेकआउट होगा ना नीचे की तरफ ही होने वाला है। कैसे पता चला मुझे, लुक एट दिस कैंडल, रजिस्ट्रेशन लिया सेम, ठीक है, देखो सेम रजिस्ट्रेशन लिया, नीचे गिर गया, और देखो लुक एट द वॉल्यूम बढ़ा है, और इस कैंडल का जो वॉल्यूम है, ठीक है, इस रेड कैंडल का वॉल्यूम अगर आप इससे कंपेयर करते हो उस कैंडल से, ठीक है, इसका वॉल्यूम होता छोटा सा है, समझ गए। तो मुझे लगता है नीचे गिरेगा, तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बांधना स्टार्ट करो छोटा मोटा, या लॉस हो रहा है लॉस बांधना स्टार्ट कर लो स्टॉप लॉस के साथ 6.70 रुपये, ठीक है, समझ आ गया आपको। तो आपको ये स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है सुजलॉन शेयर में। बाकी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट क्लास में।
कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी कुछ भी डाउट है, क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मेरे हिसाब से दोनों के स्टॉक के जो प्रॉफिट है बेकार आए, ठीक है। तो यही सलाह रहनी चाहिए आप लोगों के लिए कि अगर आपके पास स्टॉक्स है तो बांधना स्टार्ट करो भाई। इसमें आपके लिए मतलब एडवाइस रहनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो खत्म करता हूँ, मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बात है।